दोस्तों, आंवले को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज आंवले से ही कुछ बनेगा। हम सब जानते हैं कि आंवला इतना खट्टा होता है कि उसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा हेल्दी होता है कि इसके गुणों की जितनी भी तारीफ़ करूं कम है, क्योंकि ये विटामिन सी से तो भरपूर है ही। इसके अंदर आयरन, जिंक, फास्फोरस, बहुत सारे गुणों का भंडार है। तो आज इसी आंवले से हम बनाएंगे च्यवनप्राश, जिसे हम पूरी सर्दी गर्मी आराम से खा सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होगा। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो आंवला कद्दूकस करके रखा है उसे एक पैन के अंदर डाल देंगे और गैस को कर लेंगे हम मीडियम, और मीडियम गैस पर इसे कम से कम हम 5 मिनट तक चलाते हुए ही भूनेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो यूज़फुल लग रही हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साइड में बने हुए बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आपसे बात करते हुए, जो हमारा आंवला है वो अच्छे से भुन चुका है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो आंवले का जितना पानी था वो एकदम ड्राई हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को कर देंगे बिल्कुल स्लो, और अब इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक, और साथ में डालेंगे इसमें हम काली मिर्ची का पाउडर, जो हमारी आँखों के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है। और कलर के लिए हल्की सी डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर। और फ्रेंड्स, अब इसे डालकर हम डालेंगे मिठास, क्योंकि आंवला इतना खट्टा होता है कि किसी से खाया नहीं जाता, उसे देख के ही हमारे दांत खट्टे हो जाते हैं। तो इसे खाने के लिए और इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। तो मेरे पास थे ये 250 ग्राम के आसपास थे आंवला, तो जिसमें मैं ले रही हूँ 100 ग्राम गुड़, जिसको मैंने चूरा बनाकर इसमें डाल दिया है। और अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पूरा पानी ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि जो गुड़ है जब पिघलेगा तो उसको पानी छोड़ता है। और अब इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि गुड़ और आंवला बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। तो अब इसके कलर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे, जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे च्यवनप्राश का रंग भी बहुत अच्छा कर देगा, वो है ये चुकंदर, जिसको मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं, चुकंदर के अभी बहुत सारे गुण हैं। इसमें आयरन तो भरपूर मात्रा में पाया ही जाता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। कहा जाता है कि जिसके अंदर खून की कमी हो जाए वो सिर्फ 15 दिन इसके जूस को पी ले बनाकर, तो हर तरह की कमी उसकी दूर हो जाती है। तो ये मैंने इसमें आधे चुकंदर को कद्दूकस करके डाल दिया है, और अब इसे कम से कम 3-4 मिनट और पकाएंगे, या जब तक कि ये एकदम बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इतना तो आप समझ ही गए हैं कि आंवला और चुकंदर मिलकर खून भी बढ़ाएंगे, आपके अंदर एनर्जी भी लाएंगे, आपके बालों के लिए, आपकी आँखों के लिए, आपकी पूरी हेल्थ के लिए कितना अच्छा च्यवनप्राश आज हम घर में ही बना के तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये एक तो सबसे अच्छी बात है कि हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव चीज़ नहीं डाली है, और ये इतना हाइजीनिक है कि इसे हमने घर में ही बना के तैयार किया है, और इतना ज़्यादा गुणों से भरपूर है कि हर कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों, अगर हम डेली इसकी एक चम्मच खा लेते हैं तो हमारी स्किन भी ग्लो करेगी, हमारे हेयर भी अच्छे होंगे और हमारी आइज़ भी अच्छी होंगी। और तो और, ये हर एज के लिए अच्छा है। अगर बच्चे इसे ऐसे नहीं खाते तो आप इसे ब्रेड पे लगाकर या परांठे पे लगाकर भी उन्हें खिला सकते हैं। तो ये हमारी बनके हो गया तैयार, आपको दिख रहा होगा ये एक साथ कैसे खट्टा हो रहा है। तो इस टाइप में गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, और अब हमने ये नींबू और उसे इस तरह से कट करेंगे। उसका रस इसके अंदर निचोड़ देंगे।
और अब इसे ऐसे ही थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसे स्टोर करेंगे। तो अभी ये ठंडा हो चुका है पर पूरी तरह नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम इसे कटोरी में डाल दे रहे हैं, जिससे ये बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप इसे किसी कांच की बोतल में डाल के स्टोर कर सकते हैं। तो ये स्टम्प खाने में बहुत टेस्टी है, आप इसे ब्रेड के साथ, परांठे के साथ जैसे खाएं खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा च्यवनप्राश तो बन के हो गया तैयार, तो मैं लगा के खा रही हूँ इस ब्रेड पे, क्योंकि अब ये बन के तैयार हो गया और मेरे से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है इसे टेस्ट करने का, तो इसलिए मैं तो इसे खाने जा रही हूँ ब्रेड के साथ। तो इस तरह से लगाकर आप भी मज़ा ले सकते हैं। देख के आ रहे हैं, जल्दी से बनाएं और अपने परिवार को इन सर्दियों गर्मियों पूरे साल अच्छी हेल्थ के लिए ये आंवले और बीट रूट का स्पेशल च्यवनप्राश बनाकर ज़रूर तैयार करें। तो फ्रेंड्स, मैं तो खा रही हूँ, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंजॉय गीता सिंह रेसिपीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।